हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताऊंगा कि आपके मोटर के जो कंट्रोल स्विचेस है वो कई बार काम करने बंद करते हैं या फिर जाम हो जाते हैं, तो उसको कैसे सही किया जाए, लुब्रिकेट किया जाए। वैसे आप इसको खोल के लुब्रिकेट कर सकते हो, पर क्या कहते हैं, मैं भी खोल के इसको क्लीन करूँगा सबसे पहले। तो क्या कहानी है, पहले तो ये बात है कि आप अगर इसको खोलना ही नहीं चाहते तो इसको WD-40 से पूरा वॉश कर दे अंदर से। WD-40 की पाइप को इसके अंदर घुसाओ और सारा चला दो अंदर। फिर इसके बाद आधे घंटे तक सारा यहाँ से कचरा बाहर आ जाएगा जितना ही आपके कंट्रोल स्विचेस में है। और पहली बात तो जब हम धोते हैं बाइक को ज़्यादा तो ये कंट्रोल स्विचेस कई बार जाम हो जाते हैं, तो लुब्रिकेशन के लिए खोलना पड़ता है, चंगी तरह रगड़ना पड़ता है, डीजल से साफ करना होता है, फिर ल्यूब करना होता है। और कई बार बहुत मुश्किल काम हो जाता है, बहुत एक्सपेंसिव काम हो जाता है। सो मैं ये सारी इसकी प्रॉब्लम क्या है, देखो बाइक ऑन किया, सेल्फ नहीं उठा रही। क्यों नहीं उठा रही? बिकॉज इसका स्विच जो है अंदर से मिट्टी आ गई है जिससे वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा, जिससे बाइक स्टार्ट नहीं हो पा रही। वैसे ये स्विचेस कुछ जाम है, ये देखो इंडिकेटर का जाम हो गया, अटक गया, ये भी जाम है बहुत। ये हॉर्न का ठीक है, बस ये पास का भी कभी अटक जाता बीच में रखा जाता। तो मैं पहले इसका स्विच को साफ करूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो टूल चाहिए आपको, ये सेफ्टी पैकेट, जैसे कोई भी सेफ्टी का प्लास्टिक का लिफाफा ले लो, ये छोटा सा गट्टू पेचकस, टू साइडेड गट्टू पेचकस जिसे हम कहते हैं, छोटा पेचकस, ये बारीक सा पेचकस, और क्लीनिंग ब्रश, और थोड़ा सा डीजल चाहिए क्लीनिंग के लिए। सो अब हम खोलेंगे इसको। सो खोलने के लिए नीचे इसके दो स्क्रू दिए, एक वो स्क्रू, ये वाला स्क्रू, एक वो स्क्रू खोलेंगे और एक इधर स्क्रू दिया। ये दो स्क्रू खोल के मैं भी वापस आता हूँ। सो इसी तरह से हमने ये स्क्रू को खोलना है। पहले तो हम ये स्क्रू खोलेंगे, फिर उसके बाद ये वाला स्क्रू खोलेंगे हम, जो कि यहाँ पे लोकेटेड है। तो मैं खोलने के बाद वापस आता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने इसका आगे का स्क्रू खोला है, यहाँ का बीच का थ्रॉटल के केबल का। ये है हमारा छोटा स्क्रू और थोड़ा लंबे वाला स्क्रू पिछली साइड का। तो अभी इसको डिसअसेंबल करते हैं ऐसे। सारा सिस्टम ही जाम पड़ा, देख लो, जंग खाए हुए अंदर से धोने की वजह से। ये चलो आम बात है, धोना तो पड़ता है बाइक को। तो अब थोड़ा टफ होने वाला जॉब, इसको केबल को थोड़ा अलग करना पड़ेगा, केबल को निकाल के इसको अंदर से डीजल से साफ करना पड़ेगा। चलो सो फ्रेंड्स, इसका डाउन पोर्शन बाहर निकल नहीं रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका रिंग निकाल के इसको पूरे हैंडल असेंबली को खोलना पड़ेगा 6 नंबर LP के साथ। सो मैं भी खोलने के वापस आता हूँ, टूल लेके भी आता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने इसकी रिंग बार निकाल दी है और इसका हैंडल खोलना शुरू कर दिया, और इसको खोलने के बाद हम हैंडल को टेकआउट करेंगे। वेट। सो हमने हैंडल को बाहर निकाल दिया, अब इसको हम बाहर निकालेंगे इजीली, क्योंकि ये हैंडल तो ऑलरेडी बाहर आ चुका है। इसको खोलने का वजह ये था क्योंकि हमने इसको थ्रॉटल के को बाहर निकालना ताकि हम इसको असेस कर सकें। सो फ्रेंड्स, मैंने इसका ये पार्ट अलग कर लिया। सो मैंने इसका निचला हिस्सा उतार लिया यहाँ से रॉड से। अब देख सकते हैं कितनी अंदर डस्ट जमी हुई है, ये देख लो, सारी क्लीनिंग होने वाली है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो नीचे सेल्फ की तार जा रही है इसमें थोड़ी डस्ट लग गई, जंग लग गया, इसको हम डीजल से साफ करेंगे। सो वेट एंड वॉच। सो फ्रेंड्स, हम लेंगे थोड़ा सा डीजल, इसको अच्छे से साफ करेंगे। डीजल ही क्यों, क्योंकि डीजल एक तरह से आग नहीं पकड़ता, छोटी सी चिंग आ रही है। और दूसरी बात, इसमें थोड़ा ल्यूब्रिकेट होता है, मतलब इसमें भी थोड़ा ऑयल होता है, जिस कारण लोग डीजल ही प्रेफर करते हैं हर चीज़ साफ करने का, और चीज़ भी अच्छी तरह साफ करती है।
स्विच थोड़ा साफ़ हो रहा, आपको लग ही रहा होगा वीडियो में कितना साफ हो गया, लुब्रिकेट भी हो गया, करते रहो साफ करते मिट्टी निकल रही है। सो ये मिट्टी निकली बंद होगी, अब हम करेंगे इसके स्विच के अंदर थोड़ी क्लीनिंग प्रोसेस ताकि थोड़ा लुब्रिकेट हो जाए। डीजल सबसे अच्छी चीज़ है, जैसे मतलब कि हर कुछ जाम चीज को या कोई सफाई करने काम आ जाए और जिससे आग भी ना लगे, तो साफ करते रहो। अब बारी आती है इसका इग्निशन स्विच साफ करने की। तो इग्निशन स्विच साफ करने के लिए पहले तो आपको ये खोलना पड़ सकता है, बट मेरा ख्याल है ना ही खोलो तो अच्छे, क्योंकि इग्निशन स्विच विजिबल हो रहा है। तो यहाँ से थोड़ा सा डीजल मार देंगे यहाँ पे, चलिए। सो डस्ट जाने की वजह से या ज़्यादा गाड़ी धोने की वजह से आपके कंट्रोल स्विचेस काम करना बंद कर सकते हैं। सो मेरा ये सुझाव है कि गाड़ी को ड्राई क्लीन रखें ज़्यादा से ज़्यादा, और क्लीन रखें, क्लीन ही एरिया में जाके अभी गाड़ी खराब ना हो। सब अब इसे सूखने देते हैं इस एरिया को। अरे कितना गंदा डीजल है नीचे गिरा। चलो इसको सूखने देते हैं और चलते हैं दूसरी साइड पे। अब हम ये कंट्रोल स्विचेस को साफ करेंगे। इसको साफ करने के लिए बहुत औखा काम है, आपको थ्रॉटल या हैंडल या थ्रॉटल की केबल की खोनी पड़ सकती है, मतलब कि थ्रॉटल केबल को आपको खोलना पड़ सकता है कई केसों में, ज़्यादातर मोटरसाइकिल में थ्रॉटल केबल खोनी पड़ती है। बट चलो मेरे में केस बहुत बड़ा था, मैंने हैंडल पूरा खोल दिया, थ्रॉटल केबल नहीं खोली, मैंने सारे सिस्टम ही खोल दिया। अब इसकी इसमें हमें हैंडल खोलने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें हमें ये खोलना पड़ेगा, ये खोलने के बाद इसको खोल कर साफ ही करना है। सो मैं थोड़ा डीजल लेके आता हूँ, मैं ख़त्म हो गया डीजल, सो आई विल बी बैक। सो दोस्तों हम इस साइड का कंट्रोल पैनल स्विच का सारा मॉड्यूल खोलेंगे। सो इस साइड का ये भी सारा जाम पड़ा है, इसका स्क्रू एक ये वाला है और एक पीछे है, इसको खोलने का वापस आता हूँ मैं। सो इस केस में इसमें छोटा वाला छोटा वाला या पिछला था स्क्रू, और सबसे लंबा वाला आगे था स्क्रू, तो ध्यान रखना इसका असेंबली कैसी है। सो चलते हैं इसको खोलते हैं। सो इसको खोलते हैं, अब ये खुल गया इजीली, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही निकलता बाहर, उसको निकालने में दिक्कत थी वो निकल रहा था। इसको ये सिक्योरिटी होती है तरह से, इसकी सिक्योरिटी रिंग जिससे अंदर कोई गंदगी ना जाए, बट फिर भी आई जाती है। आपको दिखा देता हूँ सर इसकी कंडीशन, आपको जंग तो नज़र आ गया होगा, सॉरी। सो ये निचला पोर्शन है, सो ये देखो इंडिकेटर का जो स्क्रू है अंदर से जंग लगा हुआ है, अब देख सकते हैं कचरा जमा, ये देखो अटक गया, ठीक है। सो ये हमने साफ करना है, डीजल से साफ करना है, और इसकी ऊपर वाला सिस्टम थोड़ा पास वाला थोड़ा जंग खाया हुआ, यहाँ से देखो क्रोशन हुई है, अब डीजल मरेंगे यहाँ पे हम। सो वेट, सो इस साइड का काम करने से पहले आपको दिखा दूँ, ये देखो कितनी मिट्टी यहाँ से निकल के रही है बह के, और नीचे डीजल गिरे गंदा है। सो इसको साफ करते हैं, अब शायद थोड़ा फर्क पड़ जाए क्लीन होने के बाद, जो कि जाम हो गया, थोड़ा फर्क पड़ गया, स्मूथ हो गया भैया, पहले कितना जाम चलता था। मैं इसलिए डीजल कह रहा हूँ यूज़ करने का, क्योंकि डीजल में थोड़ा ऑयल होता है, ऑयल की वजह से थोड़ा ल्यूब्रिकेशन हो जाती है और साफ भी हो जाता है, डीजल साफ भी करता है ल्यूब्रिकेट भी करता है, तो इसलिए मैं डीजल रेफर करूँगा। पेट्रोल इसलिए नहीं, पेट्रोल खतरनाक हो सकता है, क्योंकि पेट्रोल को हल्की सी चिंगारी मिल गई ना उसने ये पे आग कर लेनी है। कितना कचरा बाहर आ रहा है, अब देखते टेस्ट को किसको।
फर्क पड़ गया इसको। चलते हैं ऊपर ऐसा साफ करने इसका। जाम है थोड़ा सा। निचला हिस्सा दोबारा साफ कर लें। तो ये तो हो गया साफ। एक बार जरा झलक मारे इसके। ये तो हो गया थोड़ा साफ अंदर से। और इसको सूखने देते हैं, वापस आते हैं बाद में फिटिंग करेंगे इसकी। ऑलराइट गाइस, अभी ये ठीक हो चुका है। अब सारा ये सूख चुका है, ये हिस्सा सारा सूख चुका है, वो सूख चुका है। सो एक बार सेल्फ मार के देखिए दोस्तों। देखो सक्सेसफुली साफ हो गया ना। पहले सेल्फ कैसे वर्क नहीं करी थी, एक सेल्फ मारी स्टार्ट हो गया। अब इसके ज़रा सारे कंट्रोल्स वर्क करेंगे इसके, जो भी जाम थे और सब ल्यूब्रिकेट हो गया। जो भी कंट्रोल में के टचिंग पॉइंट पे जहाँ पे कचरा आ गया था वो साफ हो गया। अब ये अच्छे से वर्क करा है। सो मैं इसको फिट करने जा रहा हूँ। इसको फिट करने का तरीका क्या, इस पाइप को इसके रॉड के अंदर डाल देंगे जो कि मैंने खोली है। फिर रॉड को उठा के इसके अंदर असेंबल कर देंगे। असेंबल करने का 6 नंबर का एल की नट कसेंगे। फिर उसके बाद इसके ऊपर रिंग डालेंगे और ये रोड आपकी कसी जाएगी इस साइड की हैंडल बार का। इसमें क्या है, बस इसको ये अंदर क्लिप बैक करना है, इसके साथ अलाइनमेंट करके स्क्रू करते हैं वापस हो जाएगा बंद। तो चलो इसको बंद करते हैं और मैं वापस आता हूँ। सो फ्रेंड्स, इसका मैंने एक्सेलरेटर थ्रॉटल को मैंने इसको पाइप को चढ़ा दिया। अब भारी है ये पूरा हैंडल बार को इसके अंदर शिफ्ट करना और इसको बस इसके ऊपर लगाना, इसके साथ अलाइन करके। माफ़ करना, मेरा एक ही हाथ है, रात को कोई जाता था नहीं काम करने के लिए, तो मैं खुद ही कल्ला काम करता हूँ, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसको बिठा दो, ऐसे क्लिप ऑन कर दो। ठीक है, ये हो गया मेरा क्लिप इन, ये अच्छी तरह क्लिप हो गया, सही हो गया। और अब इसको हम बिठाएंगे अंदर। थोड़ा डिफिकल्ट काम ही लगता है, बट करने में, खुद काम करने में मज़ा कुछ और ही होता है। बिकॉज जो काम हम खुद करते हैं ना तसल्ली से करते हैं, हम मैकेनिक नहीं करते। तो इसलिए मैं खुद अपने दोस्त का काम कर रहा हूँ, दोस्तों का ही भी काम करता हूँ जो भी हैं, ताकि मेरी खुद की आमदनी हो। तो ये हो गया हमारा हैंडल फिट। इसको कसेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको कस देने के बाद ये हो गया हमारा यहाँ। अब एंड में इसका हम हैंडल का स्लाइडर लगाएंगे यहाँ पे। हैंडल स्लाइडर इसे कहते हैं, किसी गोली को। ये लाइट हमेशा जाती बोल है, देख लो लाइट चलेगी, बेकार काम। दैट्स व्हाई डोंट लाइक आवर गवर्नमेंट, अच्छे दिन वाली गवर्नमेंट। तो ये हमारा, इसको मैं अब इसके 2 नट कसूँगा। ये रहा 1 नट, ये सबसे लगेगा आगे हमारा, सॉरी ये पीछे लगेगा लंबा वाला यहाँ पे। चलो ये पीछे लगेगा और इसका छोटा वाला आगे लगेगा थॉटल्स के बीच में, ठीक है। तो ये जो लार्ज वाला है और ये थोड़ा स्मॉल वाला है, वो बताता हूँ कैसे लगेगा। सो ये नट यहाँ का है, लॉन्ग वाला हमारा लगेगा यहाँ फ्रंट पे और शॉर्ट वाला लगेगा हमारा यहाँ पे। तो मैं वापस आता हूँ इनको लगाने के बाद। सो फ्रेंड्स, मैंने ये सारा अपना सिस्टम क्लोज कर दिया है, मतलब कि हैंडल बार इंस्टॉल कर दिया है, हैंडल का कंट्रोल पैनल सारा इंस्टॉल कर दिया है, थ्रॉटल केबल भी इंस्टॉल कर दिया, हैंडल बार भी, और ये हिस्सा सारा कंट्रोल पैनल भी अपने लेफ्ट हैंड साइड का कर दिया शिफ्ट।
मतलब कि इंस्टॉल कर दिया, सब चला के देखा जाए। सर इंडिकेटर देखो, पहले स्विच जाम होता था ना, अब नहीं जाम होता, अब अच्छी तरह फ्रीली वर्क कर रहा है, क्योंकि डीजल से साफ हुआ ना, डीजल में थोड़े लुब्रिकेंट्स होते हैं, और ये स्विच भी आसानी से काम कर रहा है, पास लाइट भी काम कर रही है, पास लाइट भी अच्छी तरह से काम कर रही है, हॉर्न तो वैसे ही काम करता है, बजाऊंगा नहीं क्योंकि रात बहुत हो गई है, ये लाइट स्विच भी काम कर रहा है, लाइट स्विच भी काम कर रहा है अच्छी तरह से। तो सेल्फ मार के देखता हूँ, थोड़ी देर के लिए सेल्फ मारूंगा बिकॉज रात हो चुकी है, तो चलो। सो पिछली वीडियो में देखा था सेल्फ बजी नहीं रही थी, अब थोड़ा सा टच करते स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सेल्फ के स्विच के अंदर जो डस्ट एंड रेजिड्यू था वो निकल गया। सो ये प्रोसेस आप मेरी उस बाइक, ये तो सेम बाइक है, इस बाइक पे भी लागू कर सकते हैं, उस पास से सेम होता है प्रोसेस, इस पास से सेम, या फिर आप स्कूटर पे लागू कर सकते हैं, किसी और का स्कूटर है। सो स्कूटर के लिए आपको यहाँ से बाहर से साफ करना है, यहाँ अंदर ब्रश मारना है, इसको एक ब्रश मारना, ये तो वैसे ठीक है, इसको भी बाहर से साफ करना है, इसको भी बाहर से साफ करना है, इसको भी बाहर से साफ करना है। सो स्कूटर की कोई टेंशन नहीं है, स्कूटर को बाहर से बस WD-40 या डीजल से साफ कर सकते हैं, इस बाइक का प्रोसेस भी सेम है। सो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो। अब मैं इस बाइक को सुबह सुबह यहाँ एयर प्रेशर मारूंगा ताकि सारा डीजल जो अंदर थोड़ा सा बच के वो निकले, ठीक है। तो प्रोसेस तो स्कूटर से भी कर सकते हैं, स्कूटर में बस उसको बाहर से साफ करना है, बट बाइक को थोड़ा खोल के करना होता है क्योंकि इसका अंदर ही इतना कंजेशन होता है उसके, तो स्कूटर के स्विच बाहर लगाता है, तो बार बार से डीजल मार देना, दिखाता हूँ मैं आपको। सो स्कूटर के लिए आपको अंदर यहाँ पे बाहर से साफ करना है डीजल से, ठीक है। सो कैसा लगा आपको वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको ये नॉलेजेबल लगा हुआ वीडियो। सो गिव अ थम्स अप, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। So take care, bye, ride safe and enjoy your silly controls, okay? Take care.